हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हमज़ा और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एवरीथिंग इज़ हेयर पर। तो फ्रेंड्स, इंटरनेट तो सभी लोग यूज़ करते होंगे, तो आज मैं ऐसे ही तीन ऐप्स लाया हूं जो इंटरनेट यूज़र्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी कर लिए, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो हमारा पहला ऐप है, उसका नाम यूनिवर्सल कॉपी। ये बहुत ही अच्छा ऐप है। इस ऐप के थ्रू हम लोग वहाँ से कॉपी कर सकते हैं चीज़ें जहाँ से हम लोगों को कॉपी करना अलाउ नहीं होता है। जैसे बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, और भी ब्राउजिंग करते वक्त बहुत सारे ऐसे पेजेस खुलते हैं जहाँ से हम लोग कॉपी करना चाहते हैं मगर कॉपी नहीं कर सकते हैं टेक्स्ट को, लेकिन इस ऐप के थ्रू हम लोग वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। जैसे वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में रहता है कि हम लोगों को कॉपी नहीं करना अलाउ रहता, लेकिन हम लोग उसे कॉपी, मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो जैसे मुझे इनके फेसबुक के पेज की लिंक को कॉपी करना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया यूनिवर्सल कॉपी। अब लॉन्ग प्रेस किया, ये पूरा पेज सेलेक्ट हो गया। आप लोग सेटिंग्स में जा कर के टेक्स्ट सिलेक्शन वाले को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मुझे फेसबुक को सेलेक्ट करना है, फेसबुक की लिंक वो ये रही, नीचे करता हूँ इसे, दोस्तों ये मैं ऐप पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, मेरे फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें भी चल रही हैं एक साथ, तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है इसको सेलेक्ट करने में, लेकिन आप लोग जब करेंगे आप लोग में बहुत आसानी से सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये क्लिक नहीं हो पा रहा उस पर सही से, हाँ अब हुआ। ये देखिए, ये मैंने फेसबुक को की लिंक को सेलेक्ट कर लिया, ये हो गया, इसको मैंने अब कॉपी कर लिया। अब मैं ब्राउज़र में ओपन करके भी आपको इसे दिखा देता हूँ। ये मैंने अपना ब्राउज़र खोला, उसमें इस लिंक को पेस्ट किया, और थोड़ी देर में उन्हीं के पेज की पेज खुल जाएगा फेसबुक का। ये देखिए, पेज खुल गया है, मैं इसमें लॉगिन नहीं हूँ इसलिए लॉगिन का दे रहा। और दूसरा जो हमारा ऐप है उसका नाम है ऑलवेज़ ऑन MOLED। ये भी बहुत अच्छा ऐप है। इस ऐप से हम लोग अपने फ़ोन की स्क्रीन को हर वक्त ऑन रख सकते हैं। हर वक्त मतलब जैसे हम लोग को रीडिंग करनी रहती है कभी कभी, और हम लोगों को बार बार अपने फ़ोन पे टच करना रहता है वरना फ़ोन पे लॉक लग जाता है, लेकिन इस ऐप के थ्रू ऐसा कुछ नहीं होगा। इससे हम लोग रीडिंग करते वक्त हम लोगों की स्क्रीन हर वक्त ऑन रहेगी, और बहुत ही फ़ायदेमंद ऐप है ये। इसमें बहुत सारी सेटिंग्स हैं, मैं दिखा ही रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग देखिए। और जैसे कि हम लोग अपने नोट्स लेते हैं, नोट्स के फ़ोटोज़ लेते हैं, हम लोगों को पढ़ना रहता है फ़ोन से, तो इस ऐप के थ्रू बहुत आसानी से हो जाता है। बार बार हम लोगों को फ़ोन पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा, बस हम लोगों ने जैसे ही अपने नोट्स पढ़ना शुरू करें तो पढ़ते रहेंगे, उसमें बार बार हम लोगों को क्लिक नहीं करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी सेटिंग्स हैं, आप लोग देख ही सकते हैं कितनी सारी हैं। इसमें ब्राइटनेस है, बैटरी सेवर है, और भी बहुत सारी सेटिंग्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे सब दिखा ही रहा हूँ आप लोगों को। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे रीडिंग करने में बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए, ये आप लोगों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आप लोग इसे इंस्टॉल करेंगे। और चलिए अब तीसरे ऐप की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे ऐप का नाम है ट्वाइलाइट। ये भी बहुत अच्छा ऐप है, ये तो मैं हर वक्त अपने फ़ोन में रखता हूँ, क्योंकि जैसे रात को कभी कभी फ़ोन कभी कभी क्या रोज़ ही फ़ोन यूज़ करता हूँ, तो उसके लिए इसको इससे मतलब इतना फ़ायदा। ये देखिए, फ़ोन की स्क्रीन डिम हो गई, रात जब हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं तो फ़ोन की लाइट हम लोगों की आइज़ को अफेक्ट करती है, और आइज़ हम लोगों की मतलब ज़्यादा देर तक उसकी वजह से हम लोग फ़ोन यूज़ नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस ऐप के थ्रू हम लोग बहुत ही आसानी से हम लोग अपना फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं इसके कलर, टेम्परेचर, और भी ब्राइट स्क्रीन डिम, और भी इसमें टाइमिंग और प्रोफाइल, बहुत सारी चीज़ें दिखाता हूँ धीरे धीरे आपको। जैसे प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल में हम लोग अपनी प्रोफाइल लगा सकते हैं, अलग अलग टाइम की अलग अलग प्रोफाइल्स हैं। और जैसे इसमें कस्टम है, कस्टम में रहता हम लोग जैसे रात में एक फ़िक्स टाइम है हम लोगों का यूज़ करने का फ़ोन, बस वही लगा लिया टाइम, उसी टाइम पे ये बस स्क्रीन अपने आप डिम हो जाएगी। और इसका प्रो वर्जन भी है, वो आप लोगों को प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप लोग चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर करिए।